बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ शहर के रेलवे स्टेशन पर स्थित होटल नंदन प्लाजा व नंदन पैलेस पर बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा प्रताप नगर से लिया गया करोड़ों रुपए का ऋण नहीं चुकाने पर गुरुवार को बैंक द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश पर दोनों होटलों को सीज कर दिया गया, जिसके नियमानुसार नीलामी कर बैंक द्वारा ऋण की राशि वसूल की जाएगी। बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित स्टार वन एंड इंफोर्सिस कंसल्टेंट एजेंसी की अधिवक्ता भानु प्रताप मिश्रा ने बताया कि बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा प्रताप नगर से होटल नंदन पैलेस तथा होटल नंदन प्लाजा के मालिक गोपाल लाल शमदानी व श्याम लाल शमदानी ने दोनों होटलों को गिरवी रखकर करीब 8 करोड़ रुपए ऋण लिया था, जो जमा नहीं कराने से ब्याज सहित करीब 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उनका खाता 22 नवंबर 2021 को एनपीए हो गया था। इस संबंध में बैंक द्वारा 25 नवंबर 2021 को नोटिस भी होटल मालिकों को दिया गया, लेकिन फिर भी ऋण या किस्त जमा नहीं कराई गई। इस पर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों होटल कुर्क करने के आदेश जारी किए गए, जिसके तहत गुरुवार को बैंक के रीजनल ऑफिसर गर्वित आचार्य, क्षेत्रीय प्रबंधक एस एन बेरवा, मुख्य प्रबंधक एस एस परिहार, लोन परिसर आशीष रमन आदि की उपस्थिति में एजेंसी ने होटल को अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी निर्धारित तिथि तक ऋण नहीं चुकाने पर नीलामी की जाएगी। इस दौरान पुलिस जाब्ता और एजेंसी के निजी सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे। कोई डेट फिक्स नहीं की है, हम वापस से वैल्यूएशन कराएंगे, वैल्यूअर से बैंक के अनुमोदित वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराएंगे। अगर ये बिल्कुल खुला, इनको आज भी हम यही बोल रहे हैं कि अगर आप पैसे जमा करवाते हो, इसी बीच में इन्होंने क्या कि हमारे हायर अथॉरिटी एचओ अजमेर भी जाकर संपर्क किया, जीएम साहब से मिले थे, चेयरमैन साहब से मिले थे, इन्होंने 30/11/2022 तक का समय मांगा था कि 30/11 लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि 30/11/2022 तक का हमको समय दिया जाए, 30/11 भी निकल गई मजबूरी वश, बाद में हम आज ये कुछ करेंगे। आज हम लॉक एंड की करेंगे सर।